तो क्या दिक्कत हुई उसमें आपको? यही तो हुआ कि हम लोग बाल बाल से बच गए। बच गए? हाँ, यही तो बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत बड़ा कांड हो जाता है, सारा लोग के लाशे या घायले मिलता है। अच्छा, तो अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो यही है कि हम लोग पीछे पीछे में थके हुए हैं, ना हम लोग के पास पैसा है, ना कुछ है पटना जाने वाले। तो पब्लिक बताएंगे, हम तो अपना सूझबूझ जितना हमको अथी हुआ, जितना बजाने का पब्लिक का साहस था उतना हमने किया, और किसी तरह कारण पब्लिक को किसी तरह से कोई हादसा नहीं हुआ। ट्रेन की क्या स्थिति है? ट्रेन के चक्का का? ट्रेन के तो चक्का सब पटरी के नीचे चला ही है, उसमें किसी की जान माल की भी नुकसान नहीं है? नहीं, जान माल तो किसी को नहीं नुकसान हुआ। बस सामने कर्वेचर है, कर्वेचर है, जैसे कर्व हुआ, जैसे जलाया, उसके बाद तुरंत हमने अपना ब्रेकिंग किया, इमरजेंसी लगाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज पीआर पर। मैं हुर्या। जहानाबाद से यह बड़ी अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल गया टू पटना पैसेंजर ट्रेन अपने समय पर निर्धारित जगह से आ रही थी, उसके बाद वहां पर अचानक से एक ईंट से भरा ट्रैक्टर क्रॉस करने लगा। दरअसल वहां पे न तो रेलवे फाटक था और न ही कोई ऐसी रास्ते बनाए हुए थे जहां से वो क्रॉस कर सके, लेकिन अवैध तरीके से ट्रैक्टर क्रॉस कर रहा था। उसी बीच ट्रेन आ पड़ी, लेकिन ट्रेन को रोकने में लोको पायलट की सूझबूझ रही और उसने सही समय पर ब्रेक लगा दिया, जिससे ट्रेन में सवार तमाम लोग जो है वो सुरक्षित हो गए। हालांकि ट्रेन जो है पटरी से नीचे जरूर उतर गई, साथ ही साथ ट्रैक्टर जो है वो भी उल्टा हो गया और ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हालांकि लोको पायलट ने कैसे ये सब कुछ देखा, कैसे सब कुछ कंट्रोल किया, ये उन्हीं की जुबानी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। हम तो उधर से जो अपना जो चार्ज अथी है उस तरह से आ ही रहे थे, और एक वेग देखा कि ट्रैक्टर आकर के कुछ खड़ा हो गया। हाँ। और ईटा लादा हुआ ट्रैक्टर। हाँ। हमने पूरा प्रयास किया, इमरजेंसी ब्रेक लगाया, डेड में छोड़ा, लोगों ट्रिप तक कर दिया कि किसी तरह गाड़ी खड़ा हो जाए। अच्छा। मगर इतना नजदीक है कि गाड़ी खड़ा नहीं हो पा रहा है। अच्छा। और उसी में इसमें लगा है और इसके अंदर घुस गया, जिसके कारण कुछ ट्रॉली उतर गई। अच्छा, कितने ट्रॉली उतरी है? ये आगे का इंजन का एक ट्रॉली उतरा, लापरवाही तो सामने जना रहा है, इसको हमको बोलने का जरूरत है। अच्छा, ट्रैक्टर ड्राइवर छोड़ के भाग गया था गाड़ी। अब उस जगह पर तो पब्लिक था, अब अगर ड्राइवर कौन है उसमें हम नहीं चिन्ह पा रहे। तो क्या ये अवैध क्रॉसिंग था? क्या था? अवैध क्रॉसिंग है, अपने से बनाए हुए है। कहाँ से कहाँ जा रही थी ट्रेन? अभी ये गया से पटना जा रही थी। अच्छा, तो ये कहाँ पे घटना घटी? ये घटना घटी है करौना और नदौल के जहानाबाद के बीच, बीच में किलोमीटर 41/24 हो गया, 26 पर खड़ी है। अच्छा, बताइए किसी की हताहत भी हुई है इसमें? नहीं, किसी की हताहत नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि आपके लोग की सूझबूझ से ही बचा गया? अब तो पब्लिक बताएंगे, हम तो अपना सूझबूझ जितना हमको अथी हुआ, जितना बचाने का पब्लिक का साहस था उतना हमने किया, और इसी तरह कारण पब्लिक को किसी तरह से कोई हादसा नहीं हुआ। कितना समय पहले आप ट्रैक्टर को देखे थे? बस सामने कर्वेचर है, कर्वेचर है, जैसे कर्व हुआ, जैसे जलाया, उसके बाद तुरंत हमने अपना ब्रेकिंग किया, इमरजेंसी लगाया। क्या नाम हुआ आपका? नकुल कुमार, लोको पायलट पैसेंजर गया। हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने जानकारी साझा की कि उन्होंने कैसे देखा और किस प्रकार से ब्रेक लगाया, और ऐसी जो है अवैध तरीके से जो लोग क्रॉस करते हैं उनके लिए ये क्या मैसेज है। थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाती तो न तो वो ट्रैक्टर बचता, न ही ट्रैक्टर पर सवार वो ड्राइवर बचता, और ट्रेन में भी कई बड़े हादसे हो सकते थे। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ, सभी लोग सुरक्षित रहे, दुर्घटना जरूर हो गई लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ आप बने रहे। धन्यवाद।